Hello students of class 4th. Today we are going to study English first. In this we have to read chapter number 5, The Gingerbread Boy, page number 32. Gingerbread Boy. Page number 32. In this chapter we shall read how a clever fox took the taste of gingerbread. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक चालाक लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड को टेस्ट किया. ओके, वंस कमिंग टू द स्टोरी. वंस देयर वाज अ लिटिल ओल्ड वुमन हु लिव्ड अलोन इन हर स्मॉल हाउस. शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. शी वाज वेरी लोनली इन द हाउस. वन डे शी डिसाइडेड टू मेक अ जिंजर ब्रेड बॉय. She gave him a chocolate jacket and put cinnamon seeds in it for buttons. She made his eyes with fat currants. His mouth was made of rose-colored sugar. In this way, the old woman rolled out a gingerbread boy and dressed him up. एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी. उसका कोई भी बच्चा नहीं था और वो उस घर में बहुत ही अकेला महसूस करती थी, लोनली फील करती थी. एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो जिंजर ब्रेड बॉय बनाएगी. उसने उसको उसका जैकेट जो था वो चॉकलेट का बनाया. पुट सिनेमन सीड्स इन इट फॉर बटन्स. उसने सिनेमन सीड्स बटन के लिए रखा. उसकी आईज उसने करंट से बनाया और उसका माउथ रोज कलर्ड शुगर से. इस तरह से उस ओल्ड वुमन ने रोल आउट करके जिंजर ब्रेड बॉय बनाया और उसको ड्रेसअप किया. सी हियर, जिंजर ब्रेड बॉय शी इज मेकिंग. ओके, वंस द जिंजर ब्रेड बॉय वाज रेडी द ओल्ड मैन पुट हिम इन अ पैन. देन शी पुट द पैन इन द ओवन एंड शट द डोर. आफ्टर सम टाइम शी ओपन द डोर ऑफ ओवन. The gingerbread boy was ready. She pulled out the pan. Out jumped the little boy and away he ran out of the door and down the street. एक बार जब gingerbread boy ready हो गया तो उस old woman ने उसको एक pan में डाला और pan में डालकर उसने उसको oven में डाला और उसके बाद उसने उस oven का door shut कर दिया. कुछ time बाद जब उसने oven का door open किया तो gingerbread boy अब ready था. उसने उसको पैन से वापस निकाला और जैसे ही वो पैन से बाहर आया वो तुरंत जंप करके बाहर आ गया. फिर डोर के बाहर यानी घर के बाहर आ गया और फिर रोड पर पहुंच गया. ऑन द वे ही मेट अ काउ. द काउ वांटेड टू ईट हिम बट द जिंजर ब्रेड बॉय रैन अवे. द काउ चेज्ड हिम बट कुड नॉट कैच. देन ही मेट अ हॉर्स. The horse also wished to eat it, but the gingerbread boy ran away from there also. फिर रास्ते में उसको काउ मिली. काउ उसको खाना चाहती थी लेकिन gingerbread boy वहाँ से भाग गया. काउ ने उसको चेज मीन्स उसका पीछा किया लेकिन उसको पकड़ ना सका. फिर वो हॉर्स को मिला. gingerbread boy हॉर्स को मिला. वो हॉर्स भी उसको खाना चाहता था लेकिन gingerbread boy फिर वहाँ से भी भाग गया. The horse also chased him. हॉर्स ने भी उसका पीछा किया. Now he met a cat. अब उसको बिल्ली मिली. The cat also wished the same, but the gingerbread boy ran away from there also. The gingerbread boy was very proud that no one could catch him. Soon he saw a fox across the field. The fox did not show any interest in him. अब उसको बिल्ली मिली. बिल्ली भी उसको खाना चाहती थी लेकिन वो वहां से भी भाग गया. जिंजरब्रेड बॉय वाज वेरी प्राउड. अब जिंजरब्रेड बॉय अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहा था कि कोई उसको पकड़ नहीं सकता है. जल्दी ही उसको फॉक्स दिखी फील्ड के पास में. वो फॉक्स उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था. तो द जिंजर बॉय सेड, डोंट यू वॉन्ट टू ईट मी. क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहते. तो फॉक्स ने मना कर दिया. द फॉक्स रिफ्यूज्ड. सो द जिंजर ब्रेड बॉय आस्क्ड द फॉक्स फॉर हेल्प टू अक्रॉस.
river. Fox agreed and asked him to jump on his tail. The gingerbread boy did the same. After some steps, the fox said to the gingerbread boy, "He is very heavy on his tail, so he might get wet. Jump on my back." The gingerbread boy did as the fox said. In the middle of the river, the fox said the gingerbread boy to jump on his nose. As the gingerbread boy jumped on his nose, the fox ate it and smelled his lips. लोमड़ी अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, तो जिंजर ब्रेड बॉय ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहते। तो उस फॉक्स ने यानी लोमड़ी ने मना कर दिया। तो अब उस जिंजर ब्रेड बॉय ने लोमड़ी से कहा कि मुझे ये रिवर क्रॉस करवा दो। तो लोमड़ी अग्री हो गया और बोला कि ठीक है, तुम मेरे टेल पर बैठ जाओ। आकर जिंजर ब्रेड बॉय ने वैसा ही किया। कुछ स्टेप्स के बाद फॉक्स ने जिंजरब्रेड बॉय से बोला कि तुम बहुत हैवी हो, तो हो सकता है तुम गीले हो जाओ, मेरे अब पीठ पर आकर तुम बैठ जाओ। जिंजरब्रेड बॉय ने वैसा ही किया जैसा फॉक्स ने कहा। फिर जब वो नदी के बीचों बीच आया, तो फॉक्स ने फिर जिंजरब्रेड बॉय से कहा कि तुम मेरी नाक पर आकर बैठ जाओ। और जैसे ही जिंजरब्रेड बॉय उसकी नाक पर आके बैठा, फॉक्स ने तुरंत ही उसको खा लिया। ओके और अपने नोज प्रेस नॉइजली, बहुत ही तेज से उसने उसे दबा कर खा लिया। एंड दिस वे जिंजरब्रेड बॉय स्टोरी कंप्लीट। कैसे जिंजरब्रेड बॉय सबसे बचते हुए आया, पहले काउ से, फिर हॉर्स, देन कैट, लेकिन फॉक्स से वो नहीं बच सका, क्योंकि वी ऑलरेडी नो, हम सब जानते हैं कि फॉक्स ऑलरेडी एक कनिंग एनिमल यानी चालाक है। ठीक है, in this way this story is complete, the gingerbread boy. Read this story at your home, understand it, and exercises which is left we will do in our next class.